CAA व NRC विरोधात सुरू असलेल्या 3 दिवसीय धरणे आंदोलनाची सांगता जाफराबाद तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन करण्यात आले आहे. या 3 दिवसीय धरणे आंदोलनात अनेक उपक्रम राबवण्यात आले. यावेळी CAA व NRCचा विरोध करण्यात आला. यावेळी एकता मंचसह जाफराबादमधील CAA व NRC विरोधी कृती समितीचे पदाधिकारी व इतर राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते. दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या अखत्याराखाली असलेले पोलीस हे जनतेवर आणि विद्यार्थ्यांवर, जे विद्यार्थी शांततेच्या मार्गानं प्रोटेस्ट करीत आहेत, आपले ज्या तर आंदोलन करीत आहेत, ते आंदोलन तुळवण्याचं काम करीत आहे करता त्याचासुद्धा या ठिकाणी आम्ही निषेध करीत आहे. आणि हे जे जाचक CAA जे पारित केलेलं आहे केंद्र शासनानं, तो कायदा माघारी घेण्यात यावा, रद्द करण्यात यावा. तसेच NCR हे लागू करण्यात येऊ नये भारतामध्ये. आणि जे पॉप्युलेशनचं जे रजिस्टरची नोंदणी तयार होत आहे त्याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात जे तर अशा तरतुदी आहेत की ज्याद्वारा जनसामान्य लोकांचं हेळसांड होणार आहे, त्यांची जे तर या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांना कागदपत्राचे पडताळणी करण्यासाठी आणि कागदपत्र तयार करण्यासाठी फार मोठी ऋण लागणार आहे. त्याच्यासाठी तोसुद्धा NPR लागू करण्यात येऊ नये असं या ठिकाणी आमची मागणी आहे. जाफराबाद के अंदर मुस्लिम समाज व अदर समाज की तरफ से CAA, NRC और NPR के विरुद्ध में जो 3 दिन का धरने आंदोलन रखा गया, आज उसका 3रा दिन है और सभी वर्ग के लोग इसके अंदर साथ हैं. हालांकि शासन और ये BJP शासन और ये BJP पे हुकूमत करने वाले इसके सारे जो तो सत्ता में आने वाले लोग ये चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को, जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इसको हिंदू मुसलमान करके इसको तोड़ा जाए और अपनी मनमानी की जाए. ये मनमानी कभी भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करता. ये शासन पर बैठने वाले लोग, इनके पूर्वक जो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की जूतियाँ सीधी करते थे और जो अंग्रेजी की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वही ये लोग अपना रहे हैं और हिंदू मुसलमान करके इस देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं. अपनी फेल पॉलिसी के खिलाफ, अपने पूरे हुकूमत के फेलियर के खिलाफ, जो महंगाई है, जो बलात्कार है, जो बेरोजगारी है, रुपये की गिरती हुई कीमत है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए भाव है, ये सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए लोगों को बिजी रखना चाहते हैं. इससे पहले जो NRC किया गया आसाम के अंदर, वो उसमें पूरी तरह फेल होने के बाद 3.5 करोड़ आसामी के ऊपर करीबन 1400 करोड़ रुपए जो उन्होंने खर्च किए, अभी 130 करोड़ के ऊपर करोड़ रुपए खर्चा करके और अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं. और इनका मकसद एक ही है कि हिंदुस्तानी बिजी रहे ताकि ये इनके फेलियर के ऊपर कोई ध्यान न दे. लेकिन ये बात सभी समाज, सभी वर्ग और पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है कि इनका ये फेलियर चलने वाला नहीं है और इनको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, ये EVM के घोटाले से वजूद में आई है.